मूवी के शुरुआत में हम विकस नाम के एक आदमी को देखते हैं जो बताता है कि वो लोग यहाँ पर एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि 1982 में साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के ऊपर एक एलियन शिप पिछले एक साल से मंडरा रहा था। इस वजह से सरकार के आदेश पर कुछ सैनिक स्पेसशिप के अंदर घुस जाते हैं और अंदर का नजारा देख कर वो लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि स्पेसशिप के अंदर अजीब तरह के एलियंस होते हैं जो बीमारी और भूख की वजह से काफी कमजोर लग रहे होते हैं। अब की बुरी हालत को देखकर सरकार ने एक जगह पर उनके रहने और खाने की व्यवस्था की और इस जगह को डिस्ट्रिक्ट 9 नाम दिया गया। वहीं एलियन उस जगह से बाहर नहीं जा सकते, इसलिए उस जगह को चारों तरफ से घेर दिया गया और वहां पर पुलिस को भी तैनात कर दिया गया। अब क्योंकि एलियंस के पास उनके स्पेसशिप का फ्यूल खत्म हो गया होता है, इस वजह से अब वो लोग अपने प्लेनेट पर कभी भी नहीं जा सकते थे, जिस वजह से यहाँ पर रुकना उनकी मजबूरी हो गई थी। अब एक दिन पुलिस ऑफिसर्स को एलियन के पास से कुछ खतरनाक हथियार मिलते हैं, जो जानने के बाद पूरे शहर में दंगे शुरू होने लगते हैं। सबको लगने लगता है कि एलियंस उन पर हमला करने के लिए यहाँ पर आए थे। इस वजह से अब 20 साल बाद सब लोग एलियंस को वहाँ से हटाने की मांग करने लगते हैं। लोगों की मांग को अब मानते हुए सरकार एलियंस को एक दूसरी जगह पर शिफ्ट करने का प्लान बनाती है और एलियंस को शिफ्ट करने का काम एक प्राइवेट कंपनी MNU को दिया जाता है। जिस काम को करने के लिए MNU एग्जीक्यूटिव स्मिथ एक टीम का गठन करता है और इस टीम का सुपरवाइजर वो अपने सन इन लॉ विकस को बनाता है, जिसके बाद विकस अपने टीम के साथ में डिस्ट्रिक्ट 9 जाता है और वहां पर मौजूद सभी एलियंस को उस जगह से शिफ्ट करने का नोटिस देता है। पर इसी दौरान कुछ एलियंस उनसे नाराज हो जाते हैं, जिस वजह से वो उन्हें मारने लगते हैं, जो देखकर कुछ सिपाही एलियंस को शूट करने लगते हैं, जिस पर विकस उन्हें रोकता है और फिर विकस एलियंस के पास बिल्लियों का खाना फेंकता है, जो देखकर एलियंस उस खाने पर टूट पड़ते हैं, क्योंकि इन एलियंस को बिल्लियों का खाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। अब यहाँ पर विकस की टीम को एलियंस के कुछ खतरनाक हथियार भी मिलते हैं, जिसे वो MNU लेकर जाते हैं, लेकिन ये हथियार उनके किसी काम का नहीं होता, क्योंकि इन हथियारों को केवल एलियंस के DNA से कनेक्ट करके ही चलाया जा सकता था, यानी कि इस हथियार को केवल एलियंस ही चला सकते थे। फिर इसी दौरान हम क्रिस्टोफर नाम के एक एलियन को देखते हैं, जो अपने बेटे CJ और अपने एक दोस्त पॉल के साथ कचरे में एलियन फ्यूल्स को ढूंढ रहे होते हैं, जो कि उन्हें मिल भी जाती है। दरअसल वो सब इस काम को पिछले 20 साल से कर रहे होते हैं, ताकि वो उस फ्यूल की मदद से अपने प्लेनेट पर लौट सके। पर इसी दौरान नोटिस देने के लिए विकस अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है, जिस वजह से डरकर क्रिस्टोफर पॉल को फ्यूल देते हुए उसे छिपाने के लिए कहता है, इसलिए वो उसे तुरंत छिपा देता है। पर जब विकस क्रिस्टोफर के रूम की तलाशी ले रहा होता है, तब उसे वो फ्यूल मिल जाता है और गलती से वो उस फ्यूल की कुछ बूंदों को अपने ऊपर गिरा देता है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस फ्यूल को अपने कब्जे में कर लेता है, ताकि लैब में उसकी टेस्टिंग हो सके। फिर इसी दौरान विकस को पॉल के घर में एलियंस और इंसानों के बहुत सारे हथियार मिलते हैं, जिसके बारे में वो आर्मी के लीडर कर्नल कुबस को सूचित करता है, जो देखकर पॉल विकस और उसके लोगों पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां पर कुबस आ जाता है, जो पॉल को शूट करके उसे मार देता है। अब इसके बाद विकस क्रिस्टोफर के घर पर जाता है, जो वहां पर क्रिस्टोफर के बेटे CJ को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिलता। और तभी अचानक में विकस को उल्टियां होने लगती है, जिस वजह से वो डिस्ट्रिक्ट 9 से वापस आ जाता है। इस दौरान हम एक नाइजीरियन आर्म्स डीलर ऑब्जेंजो और उसके ग्रुप को देखते हैं, जो बिल्लियों के खाने के बदले एलियंस से उनका हथियार ले रहे होते हैं। इसके अलावा वो लोग एलियंस को मारकर उनके शरीर को खाते भी है, ताकि उनके अंदर भी एलियंस के DNA आ जाए, जिसकी मदद से वो उनके हथियार का प्रयोग कर सके, क्योंकि उनके हथियार उनके DNA से ही चलते हैं। लेकिन उन लोगों का ये प्लान असफल रहता है। अब इसके बाद हम विकस को देखते हैं, जिसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होने लगी थी, जिस वजह से उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अब हॉस्पिटल में हमें पता चलता है कि वो म्यूटेट हो रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे एक एलियन में बदल रहा है। दरअसल ये उस एलियन फ्यूल की उसके ऊपर गिरने की वजह से हुआ है, जो बात जब MNU के एग्जीक्यूटिव स्मिथ को पता चलती है, तब वो अपने सन इन लॉ विकस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसे लैब में भेज देता है। अब यहाँ पर लैब में विकस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए रिसर्चर्स उसके शरीर को चीरने पड़ते हैं, जो देखकर विकस उन लोगों पर हमला कर देता है और अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है।
रास्ते में अब वो एक आदमी से उसके मोबाइल को छीन लेता है और अपनी पत्नी तान्या को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता। जिसके बाद वो एक होटल में जाता है और यहाँ होटल में वो अपने बारे में एक न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि उसने एक एलियन से शारीरिक संबंध बनाया था, इस वजह से उसका शरीर एलियन में बदल रहा है। जो जानने के बाद होटल में मौजूद सभी लोग उससे डरकर भागने लगते हैं। वहीं होटल का मालिक उसे शूट करने वाला होता है, जो देखकर विकस वहां से भाग जाता है। अब होटल से जाने के बाद वो अपनी पत्नी को कॉल करके उसे सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि वो एक एलियन में बदल रहा होता है। अब अपनी पत्नी की बातों से दुखी होकर विकस अपने एलियन वाले हाथ को काटने पड़ता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। वहीं इसी दौरान कुबस विकस को मारने के लिए उसे ढूंढ रहा होता है, और अब जब विकस कुबस को वहां पर आते हुए देखता है तब वो भागकर क्रिस्टोफर के घर में छिप जाता है, जो देखकर क्रिस्टोफर उसे घर से बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी विकस बेहोश हो जाता है। जिसके बाद अब क्रिस्टोफर की नज़र विकस के हाथ पर पड़ती है, जो उसके हाथ की तरह ही होता है, जो देखकर क्रिस्टोफर समझ जाता है कि उसकी ये हालत एलियन फ्यूल की वजह से हुई है। विकस के अब बेहोश होने की वजह से क्रिस्टोफर उसे कमरे में बंद कर देता है, और अब होश में आने पर क्रिस्टोफर उस एलियन फ्यूल के बारे में पूछता है, जिस पर विकस उसे बताता है कि वो एमएनयू के लैब में है जहां से उसे लाना लगभग नामुमकिन है। अब यहां पर विकस जब उस रूम को ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि यह कोई रूम नहीं बल्कि एक छोटा सा स्पेसशिप है जो मदरशिप का एक हिस्सा है। क्रिस्टोफर अब विकस से कहता है कि वो उसे ठीक कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे मदरशिप पर जाना होगा और वहां पर केवल इसी शिप की मदद से जाया जा सकता है, लेकिन इस शिप को चलने के लिए मैंने जो 20 साल से फ्यूल इकट्ठा किया था वो अब एमएनयू के लैब में है। जो जानकर विकस को बहुत दुख होता है क्योंकि उसी ने उस फ्यूल को लैब में भेजा था। अब इसी दौरान विकस की पत्नी का कॉल आता है जो विकस को अपने पास आने के लिए कहती है, पर फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों के कॉल को कुबस ट्रेस कर रहा है, जिससे उसे पता चल जाता है कि विकस डिस्ट्रिक्ट 9 में है, इसलिए अब वो अपने साथियों के साथ में उसे पकड़ने के लिए निकल जाता है। वहीं विकस क्रिस्टोफर के पास जाता है और उसे उस फ्यूल को वापस लाने में मदद मांगता है, जिस पर क्रिस्टोफर उससे कहता है कि हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कोई हथियार ही नहीं है। इसलिए अब हथियार लेने के लिए दोनों आर्म्स डीलर ऑब्जेंजो के पास में आते हैं, जहां पर ऑब्जेंजो जब विकस के हाथ को देखता है तब उसे खाने का सोचता है ताकि उसके अंदर भी एलियन के डीएनए आ जाए और वो एलियन हथियार को चला सके। अब वो यहाँ पर जैसे ही विकस के हाथ को काटने वाला होता है कि तभी विकस को पास ही में एक एलियन हथियार नजर आती है, इसलिए अब वो उस हथियार को उठा लेता है और फिर वो ऑब्जेंजो के लोगों को शूट करके मार गिराता है। पर इसी दौरान हम कुबो के लोगों को देखते हैं जो विकस को ढूंढते हुए डिस्ट्रिक्ट 9 पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें वहां पर विकस नहीं मिलता। वहीं दूसरी तरफ हम विकस और क्रिस्टोफर को देखते हैं जो एमएनयू लैब में जाकर किसी तरह से फ्यूल को ले लेते हैं, पर तभी वहां पर कुबस के लोग भी हमला कर देते हैं, जिसके बाद ये दोनों कुबस के लोगों से लड़ते हुए किसी तरह से फ्यूल को लेकर डिस्ट्रिक्ट 9 तक पहुंच जाते हैं। अब डिस्ट्रिक्ट 9 पहुंचते ही क्रिस्टोफर अपने बेटे को वो फ्यूल देकर जल्दी से शिप को चालू करने के लिए कहता है, इसलिए अब सीजे शिप को चालू करने के लिए शिप के अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर जब विकस क्रिस्टोफर से सवाल करता है कि उसके शरीर को फिर से नॉर्मल करने के लिए कितना समय लगेगा, तो क्रिस्टोफर उसे बताता है कि उसे केवल उसके प्लेनेट के टेक्नोलॉजी से ही ठीक किया जा सकता है, इस वजह से उसे ठीक करने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे, क्योंकि जब वो अपने प्लेनेट पर जाएगा तब उसे वापस आने में कम से कम 3 साल लग जाएंगे। क्रिस्टोफर की अब इस बात को सुनकर विकस को बहुत ही गुस्सा आता है, इस वजह से वो क्रिस्टोफर पर हमला करके स्पेसशिप के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो सीजे की मदद से स्पेसशिप को चालू कर देता है और फिर उस स्पेसशिप में बैठकर वो दोनों ही मदरशिप की ओर जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुबूस के लोग क्रिस्टोफर को पकड़कर उससे विकस के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर कुछ नहीं बताता, पर तभी उन लोगों की नज़र स्पेसशिप पर पड़ती है जो मदरशिप की ओर जा रही होती है, जो देखकर कुबूस अपने लोगों से उस स्पेसशिप पर रॉकेट से हमला करवा देता है, जिससे वो स्पेसशिप नीचे गिर जाती है। इसके बाद अब कुबस शिप में जाकर विकस को बंदी बना लेता है और फिर वो विकस और क्रिस्टोफर को लेकर लैब की ओर निकल जाता है, लेकिन तभी रास्ते में अचानक से ही आर्म्स डीलर ऑब्जेंजो और उसके गैंग के लोग विकस को फिर से पकड़ने के लिए कुबस की गाड़ियों पर हमला कर देते हैं, जिसके बाद वो सब विकस को बंदी बनाकर अपने लीडर ऑब्जेंजो के पास ले जाते हैं।
वो सब अब यहाँ पर विकर्स के हाथ को फिर से काटने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर कुबर से एक बैकअप टीम बुलाकर ऑब्जेंजो और उसकी गैंग पर हमला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस्टोफर के बेटे सीजे को देखते हैं जो अब भी स्पेसशिप में ही छुपा हुआ था। अब क्योंकि स्पेसशिप उड़ नहीं सकता था इस वजह से सीजे स्पेसशिप के कंट्रोल पैनल की मदद से मदरशिप को एक्टिवेट कर देता है और फिर वो मदरशिप को छोटी वाली शिप के ऊपर बुलाता है ताकि वो मदरशिप के मैग्नेटिक पावर का यूज करके छोटी वाली शिप को मदरशिप के पास भेज सके। इसी दौरान सीजे अपने एक रोबोटिक वेपन को भी एक्टिवेट कर देता है जो ऑब्जेंजो के पास में होता है और अब रोबोटिक वेपन के जरिए सीजे ऑब्जेंजो और उसके गैंग के लोग पर हमला करके उन्हें मार गिराता है जिसके बाद वो उस रोबोटिक वेपन को खोल देता है। विकर्स अब उस रोबोटिक वेपन के अंदर घुस जाता है और फिर वो उसे कंट्रोल करने लगता है। वो अब रोबोटिक वेपन की मदद से कुडोस के लोगों पर हमला कर देता है और इसी दौरान कुबस के लोग क्रिस्टोफर को मारने बढ़ते हैं लेकिन तभी वहाँ पर विकर्स आ जाता है जो उस रोबोटिक वेपन से उन लोगों को मार गिराता है और फिर वो क्रिस्टोफर को लेकर शिप की ओर बढ़ने लगता है। पर इस दौरान एक बार फिर से कुबस और उसके लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं जो देखकर विकर्स क्रिस्टोफर को शिप के पास जाने के लिए कहता है और खुद कुबस और उसके लोगों का सामना करने लगता है। क्रिस्टोफर अब शिप पर जाने से पहले विकर्स से वादा करता है कि वो उसे ठीक करने के लिए वापस जरूर आएगा जिसके बाद क्रिस्टोफर शिप पर पहुंचकर मदरशिप के मैग्नेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है जिससे मदरशिप छोटे वाले शिप को अपने पास खींचने लगता है जो देखकर कुबस एक रॉकेट लॉन्चर से छोटे वाले शिप पर हमला कर देता है लेकिन विकर्स रॉकेट को अपने रोबोटिक हाथ से पकड़ लेता है जिससे उसका रोबोटिक हाथ उड़ जाता है पर स्पेसशिप बच जाता है और अब वो मदरशिप के अंदर चला जाता है जो देखकर अब कुबस गुस्से में विकर्स को मारने पड़ता है लेकिन तभी वहाँ पर ढेर सारे एलियंस आ जाते हैं जो कुबस की जान ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हम क्रिस्टोफर और उसके बेटे को देखते हैं जो मदरशिप में बैठकर अपने प्लेनेट की ओर निकल जाते हैं जो देखकर विकर्स काफी खुश होता है। अब मूवी के आखिरी में एमएनयू को एलियंस के ऊपर इलीगल एक्सपेरिमेंट करने की वजह से बंद कर दिया जाता है और वहीं बाकी बचे हुए एलियंस को डिस्ट्रिक्ट 10 में शिफ्ट कर दिया जाता है जिसके बाद अब हम विकर्स को देखते हैं जो अब पूरी तरह से एक एलियन बन गया होता है और वो बेचारा क्रिस्टोफर का अब भी इंतजार कर रहा होता है ताकि वो उसे फिर से नॉर्मल बना सके। और फिर इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आप वेट कर रहे हो कि इसका अगला पार्ट कब आएगा तो बैड न्यूज़ ये है कि अभी तक इसका अगला पार्ट बनाया ही नहीं गया है। जिसने भी ये मूवी देखी है उन्हें बहुत ही डिसअपॉइंट होगा कि इसका अगला पार्ट अब तक क्यों नहीं बना है क्योंकि इस वीडियो की कहानी बहुत ही अच्छी है और लोग भी इसके दूसरे पार्ट को ज़रूर देखते अगर वो कभी बनती। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई है तो दोस्तों आपसे बस छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।